हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट हम लोग ऑपरेशन रिसर्च है। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर में जाएंगे तो एलपीपी प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट। तो एलपीपी को हम लोग ड्यूल में या तो ड्यूलिटी में या तो फिर ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। यदि इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें स्टूडेंट, और देखने के बाद यदि आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट एलपीपी कन्वर्टेड बाय द क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ड्विल। ड्विल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिर्फ हम लोग तीन क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, अलग अलग क्वेश्चन, थ्री टाइप्स। अब उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, राइट, देखते हैं। एक तो हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूलिटी इन एलपीपी। एलपीपी आप लोग को ये गिवन है, इस एलपीपी को क्या करना है, हमें ड्यूल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं मैक्सिमम जेड। तो ये प्रिमल प्रॉब्लम है स्टूडेंट, इसलिए क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। दिस इज द प्रिमल प्रॉब्लम इक्वल टू 3x1 - x2 प्लस, अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास, x3 हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखो हम लोग के पास दिया हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, देखो ये 3 एलिमेंट्स है, इसमें क्या 2 एलिमेंट्स है, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इसमें हम लोग 3, तीसरा वाला जो वेरिएबल है, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा 4x1 एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास यहां से 4x1 - x2 प्लस, आप 0x3 लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल 8, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम है। तो यहां क्या होना चाहिए हम लोग का, प्रिमल प्रॉब्लम इनक्वालिटी जो होना चाहिए लेस देन इक्वल होना चाहिए, राइट, नॉट ए ग्रेटर देन। अब दूसरा इक्वेशन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, इसलिए लेस देन बनाना, यहाँ पर मैक्सिमम है तो लेस देन होना चाहिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का जो क्या इनक्वालिटीज है वो क्या होना चाहिए हम लोग के पास, लेस देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल है, इसलिए इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -8x1 - -x2 - 3x3 और यहां से क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -12 हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा -12। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 एंड देन थर्ड इक्वेशन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट, 5x1 - यहां पर 2 नहीं है इसलिए क्या कर देंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे, 0x2 कर देते हैं, -6x3 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 13। ये इक्वेशन नंबर हो गया स्टूडेंट हम लोग के पास 3। अब इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। अब इसको हम लोग ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट, देखते हैं क्या करेंगे हम लोग ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं यहां से, क्या हो जाएगा हम लोग के पास, कन्वर्शन बाय क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग का, ड्यूल, कन्वर्शन बाय ड्यूल। ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, देखो यहां पर हम लोग के पास मैक्सिमम है, यहां बढ़ेगा मिनिमम, और जेड यहां प्रिमल प्रॉब्लम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यूलिटी डी इक्वल टू स्टूडेंट जो हम लोग का सब्जेक्ट में बेसिक फंक्शन है, बेस है, वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। बेस जो है ये वाला जो बेस है स्टूडेंट, इतना जो बेस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में। देखो कैसे करते हैं, यहां स्टूडेंट आप देखो क्या हो जाएगा, ये पहले आया हम लोग के पास 8w1, यहाँ पर क्या है -12w2 एंड देन क्या है +13w3, राइट, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो बेस था ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं, यहां से फर्स्ट के लिए जाते हैं, तो सब्जेक्ट में जाएंगे फर्स्ट के लिए, तो यहां दिया है 4w1 एंड देन मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, -8w2 एंड देन क्या आएगा स्टूडेंट, +5w3, ये हो गया। अब यहां पर मिनिमम है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, और उसके बाद ये जो होता है हम लोग के पास कॉस्ट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। इसको पकड़ते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा w1 एंड इसको पकड़ेंगे तो -w2 एंड इसको पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +w3 और ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट, ये दूसरा कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है हम लोग के पास -1, ये हो गया। थर्ड इक्वेशन को पकड़ेंगे स्टूडेंट तो हम लोग के पास आ गया ये, तो ये हो जाएगा 0w1 एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -3w2 एंड हो जाएगा -6w3 और ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये आपका कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, राइट।
अब यहां से लिख सकते हैं देन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गए स्टूडेंट। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ये प्रिमल प्रॉब्लम जो दिया रहेगा उसको ड्यूल में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही काम करना है स्टूडेंट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यदि प्रिमल प्रॉब्लम है उसको आप लोग, यदि ड्यूल प्रिमल प्रॉब्लम है उसको आप सिंप्लेक्स मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एंड द बिगेम मेथड है, एंड द टू फेस मेथड है से सॉल्यूशन करोगे तो, और ड्यूल में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करोगे चारों मेथड से तो आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, राइट। आप लोग करके देख सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को प्रिमल प्रॉब्लम एंड द कन्वर्टेड बाय ड्यूलिटी सॉल्यूशन बाय द ग्राफिकल मेथड, राइट करके वहां पर मैं बताया स्टूडेंट, अब जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट दूसरे नंबर का क्वेश्चन, यहां लिखता हूं मैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर में है स्टूडेंट हम लोग के पास मिनिमम जेड इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग के पास 2x2 प्लस 5x3। ये दिया स्टूडेंट। अब इसके बाद सब्जेक्ट में हमें गिवन है, हमारे पास है क्या दिया है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 2 दिया है, एंड इधर दूसरा दिया हुआ है 2x1 प्लस अब क्या दिया है x2 और प्लस अब क्या दिया 6x3 एंड देन लेस देन इक्वल क्या दिया है स्टूडेंट 6 दिया हुआ है, x1 माइनस अब दिया हुआ है हम लोग के पास x2 प्लस अब दिया हुआ है 3x3 एंड देन क्या है इक्वल करके 4 दिया है स्टूडेंट, और यहां से x1 x2 x3 राइट ग्रेटर देन इक्वल क्या दिया है स्टूडेंट हम लोग के पास 0 दिया। इस टाइप का जो फंक्शन होता है, इस टाइप का जो कॉस्ट ऑफ फंक्शन है एंड द कंस्ट्रेंट है, इस टाइप का क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्रिमल प्रॉब्लम है और उसके बाद सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग कैसे ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, देखिए स्टूडेंट राइट। यहां हम लोग को देखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा स्टूडेंट इसको मिनिमम जेड क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्रिमल प्रॉब्लम राइट इक्वल टू, तो प्रिमल प्रॉब्लम में क्या आएगा स्टूडेंट यहां पर देखो 2x2 और यहां पर 3 नहीं है क्योंकि 3 का इक्वेशन बना हुआ है ना, क्या हो जाएगा 3 वेरिएबल है x1 x2 x3, इसको 3 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट यहां से x2 है, x1 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर 0 x1 करके एड करना पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 x1 प्लस ऑफ हो जाएगा 2x2 प्लस ऑफ हो जाएगा 5x3, ये हो जाएगा हम लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन राइट, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। अब स्टूडेंट हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या ये मिनिमम है ग्रेटर देन रहना चाहिए तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल नहीं है, इसको मैं चेंज करता हूँ स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस अब 0 x, यहां से क्या x2 है, x3 नहीं है यहाँ पर, x2 है और प्लस 0 x3 लिख सकता हूँ राइट, ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट इसके बारे में सोचते हैं तो ये क्या है हम लोग के पास लेस देन इक्वल है, हमारे पास ये होना चाहिए सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रेंट का जो इनक्वालिटीज है वो ग्रेटर देन इक्वल में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मिनिमम है, तो इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दूसरा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको चाहो तो आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दे सकते हो राइट, तब इसमें मैं इक्वेशन 2 में माइनस को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट देखो यहां से हो जाएगा माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस अब क्या हो जाएगा 6x3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 होगा, ये इनक्वालिटीज क्या होगा माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाता है। थर्ड इक्वेशन में क्या है स्टूडेंट इक्वल है, जब भी इक्वेशन में इक्वल आएगा तब उसके बीच में इनक्वालिटी लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल जरूर रहेगी स्टूडेंट राइट, यहां आप लोग लिख सकते हो इक्वल के स्थान आएगा तब इनक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल एंड क्या हो जाता है लेस देन इक्वल होगा राइट स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है समझना है ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग इक्वेशन नंबर ये 3 है तो 4 दे सकते हैं, ये क्या हम लोग के पास 5 आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार ग्रेटर देन को पहले ले लेते हैं क्योंकि हमें ग्रेटर चाहिए, तो x1 माइनस ऑफ x2 और प्लस ऑफ 3x3 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 4, इस इक्वेशन को मैं क्या दे देता हूं 6 नाम ले देता हूं, क्या कर देता हूं 6 नाम दे देता हूं। अब स्टूडेंट इसके लिए चाहिए तो क्या चाहिए लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल तो हम लोग यहां लिख सकते हैं x1
माइनस एक्स टू प्लस अब थ्री एक्स थ्री लेस देन इक्वल क्या है फोर। अब इसको मुझे ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई कर दू तो इस इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई कर दू तो तब की स्थिति में एक्स वन प्लस अब एक्स टू माइनस अब थ्री एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल माइनस फोर। यह इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा। इक्वेशन फोर फाइव सिक्स सेवन फ्रॉम अब इसको डिलेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जितना बना हुआ है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बेस में आएगा और बेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में राइट। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं क्या हो जाएगी स्टूडेंट कन्वर्सियन बाई ड्यूल। ड्यूल में क्या कर देते हैं कन्वर्ट करते हैं तब की स्थिति में स्टूडेंट यहां पर क्या है मिनिमम है तो हम लेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम जेड और ड्यूलिटी ड्यूल। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट को बना दो आप लोग सब्जेक्ट इसको क्या करेंगे स्टूडेंट ये हम लोग के पास है बेस तो बेस है सब्जेक्ट का बेस है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कॉस्ट फंक्शन में राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तब की स्थिति में स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा टू डब्ल्यू वन एंड देन माइनस सिक्स डब्ल्यू टू एंड आएगा ये आएगा स्टूडेंट तो यहाँ क्या हो जाएगा फोर डब्ल्यू थ्री डेस और उसके बाद आएगा ये तो माइनस फोर डब्ल्यू थ्री डबल डेस ये होगा स्टूडेंट। इसको सॉल्यूशन करें तो एक स्टेप आगे बढ़ा करके लिखते हैं तो मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू हो जाएगा टू डब्ल्यू वन माइनस अब सिक्स डब्ल्यू टू एंड इसमें कॉमन जो होता है स्टूडेंट उसको कॉमन निकाल देता हूं तब के स्थिति में मेरे पास बना फोर कॉमन निकाल दूंगा तो डब्ल्यू थ्री डेस माइनस अब डब्ल्यू थ्री डबल डेस इस स्टेप से मैं क्या कर सकता हूं लिख सकता हूं स्टूडेंट राइट। अब देखो अब यहां पर सब्जेक्ट के बारे में सोचो सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट तो सब्जेक्ट में क्या आएगा देखो इसको पकड़ो आप ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास डब्ल्यू वन एंड इसको पकड़ो तो क्या हो जाएगा माइनस टू डब्ल्यू टू एंड देन इसको पकड़े तो क्या हो जाएगा प्लस डब्ल्यू थ्री डेस क्योंकि दो इक्वेशन दे रहा है ना ये क्या है टू इक्वेशन दे रहा है डब्ल्यू थ्री जो है थ्री इक्वेशन दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा डब्ल्यू थ्री डेस और उसके बाद हो जाएगा माइनस डब्ल्यू थ्री डबल डेस। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां मैक्सिमम है तो हमें चाहिए लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर देखते हैं लेस देन इक्वल क्या आ गया स्टूडेंट यहां पर वन का जो कोफिशियंट है वो क्या है जीरो है क्या है जीरो राइट। अब देखो सेकंड इक्वेशन जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास डब्ल्यू वन यहां पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन इसका कोफिशियंट क्या है हम लोग के पास माइनस डब्ल्यू टू इसका कोफिशियंट जो है स्टूडेंट माइनस डब्ल्यू थ्री डेस और इसका कोफिशियंट है स्टूडेंट हम लोग के पास प्लस डब्ल्यू थ्री डबल डेस लेस देन इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये आएगा टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास टू लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास आएगा टू लेस देन इक्वल टू आता है तब के स्थिति में हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में जाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन बनता है स्टूडेंट हम लोग के पास ये बनेगा थ्री वाला इक्वेशन तो थ्री वाला इक्वेशन में क्या हो जाएगा यहां से आते हैं ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास थ्री इक्वेशन में डब्ल्यू वन एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास डब्ल्यू टू एंड देन क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास थ्री डब्ल्यू थ्री डेस एंड हो जाएगा स्टूडेंट इस इक्वेशन के बारे में सोचते हैं तो माइनस थ्री डब्ल्यू थ्री डबल डेस लेस देन इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास क्या आएगा फाइव आएगा ये ठीक ये स्टेप से हम लोग के पास क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग देख सकते हैं एट और इसको नाइन और इसको दे सकते हैं हम लोग टेन एट नाइन टेन। अब उसके बाद स्टूडेंट हम इसको कन्वर्ट करने के बाद अब देखते हैं कि क्या हम लोग रिट्रेक्शन किसके ऊपर लगा सकते हैं क्या हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। देखो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू ग्रेटर देन तो रहेगा बट ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता ग्रेटर देन नहीं हो सकता। इस स्थिति में हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्यूशन करना चाहते हैं देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं ये हो गया कैसे सॉल्यूशन करते हैं इक्वेशन एट फ्रॉम क्या हो जाएगा हम लोग के पास इक्वेशन एट राइट फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन एट फ्रॉम यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो डब्ल्यू वन
माइनस अब टू डब्लू टू एंड देन प्लस डब्लू थ्री डैश प्लस अब क्या हो जाएगा माइनस अब डब्लू थ्री डबल डैश एट नंबर का इक्वेशन ये हो गया। लेस देन इक्वल क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास जीरो है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं डब्लू वन माइनस टू डब्लू टू प्लस देखो डब्लू थ्री कौन से वैल्यू देगा वो उसके हम लोग उसके ऊपर में डब्लू थ्री के ऊपर में क्या हम लोग रिट्रेक्शन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते उसको जानना है। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट यहां से डब्लू थ्री डैश माइनस ऑफ डब्लू थ्री डबल डैश लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा जीरो होगा। ये इक्वेशन नंबर चाहे तो हम लोग दे सकते हैं इलेवन नंबर का राइट। अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन नाइन फ्रॉम नाइन से देखते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा डब्लू वन माइनस ऑफ डब्लू टू और माइनस ऑफ क्या है डब्लू थ्री डैश और उसके बाद है प्लस डब्लू थ्री डबल डैश राइट। उसके बाद है लेस देन इक्वल क्या दिया स्टूडेंट टू दिया। इसको सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा स्टूडेंट डब्लू वन माइनस ऑफ डब्लू टू यहां से स्टूडेंट हम ये माइनस है इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं तो माइनस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट या तो इसको पहले और इसको बाद में जो भी है आप लिख सकते हैं। माइनस मैं निकाल देता हूं यहां से माइनस निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का माइनस और ये हो जाएगा प्लस मतलब ये हो जाएगा डब्लू थ्री डबल डैश माइनस ऑफ डब्लू थ्री डैश लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा टू। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ट्वेल्व हो जाएगा राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन टेन फ्रॉम इक्वेशन टेन फ्रॉम से हम लोग का क्या हो जाएगा टेन को पकड़ते हैं डब्लू वन माइनस सिक्स डब्लू टू एंड देन प्लस थ्री डब्लू थ्री डैश माइनस ऑफ थ्री डब्लू थ्री डबल डैश लेस देन इक्वल है स्टूडेंट हम लोग के पास फाइव। इसको हम सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा डब्लू वन माइनस सिक्स डब्लू टू प्लस इसमें से थ्री बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डब्लू थ्री डैश माइनस ऑफ डब्लू थ्री डबल डैश लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास फाइव हो जाएगा राइट। अब लेस देन इक्वल फाइव हो गए स्टूडेंट तब देन डब्लू वन एंड द डब्लू टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। बट यहां पर बट क्या हो जाएगा स्टूडेंट डब्लू थ्री अब इसके स्थान पर क्या कर देते हैं डब्लू वन डब्लू टू ये ऐसे भी लिख सकते हैं लेट क्या लिख देंगे स्टूडेंट डब्लू थ्री डैश माइनस आप हो जाएगा हम लोग के पास ये डब्लू थ्री डबल डैश इक्वल टू डब्लू थ्री ये मान लेते हैं राइट। तो क्या हो जाएगा इस टाइप का होगा तो क्या होगा स्टूडेंट हम लोग के पास इस टाइप से लिखेंगे तब के स्थिति में हो जाएगा स्टूडेंट देयरफॉर डब्लू थ्री सिंगल डैश राइट माइनस ऑफ डब्लू थ्री डबल डैश इक्वल टू डब्लू लिए हैं क्या लिए डब्लू थ्री यदि मान लीजिए स्टूडेंट हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं वन लिखूंगा इसके स्थान पर टू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा डब्लू थ्री हो जाएगा राइट। तो माइनस क्या हो जाएगा ये हम लोग का वन इक्वल टू डब्लू थ्री ये हो गया। अब स्टूडेंट मैं सेम क्या कर देता हूं इसके स्थान पर टू मान लेता हूं और इसके स्थान पर क्या कर देता हूं थ्री मान लेता क्या मान लेता हूं वन इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू थ्री। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्लू थ्री। तो डब्लू थ्री जो होता है एक बार माइनस वैल्यू देता है एक बार प्लस वैल्यू देता है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं नाउ डब्लू थ्री इज क्या हो जाएगा डब्लू थ्री इज अन क्या हो जाएगा हम लोग के पास रिस्ट्रिक्टेड क्या हो जाएगा स्टूडेंट अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा डब्लू थ्री इज द अनरिस्ट्रिक्टेड। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो बना सकते हो राइट स्टूडेंट। तो ऐसे समझना है कि हम लोग ड्यूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम लोग के पास थ्री नंबर का क्वेश्चन। थ्री नंबर के क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग के पास है मैक्सिमम
जेड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस अब टू वाई, राइट। एंड देन क्या दिया है, सब्जेक्ट में दिया है, ये दिया है स्टूडेंट थ्री टू एक्स है, ये है टू एक्स प्लस अब थ्री वाई, ग्रेटर देन इक्वल क्या दिया है फोर दिया है, एंड दे दिया है थ्री एक्स प्लस अब दिया है फोर वाई इक्वल टू क्या दिया है फाइव दिया है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो, वाई इज क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वाई क्या कहलाता है हम लोग के पास, अनरिस्ट्रिक्टेड, क्या है वाई अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, वाई इज द अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अब इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जाते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम दिया हम लोग का प्रिमल प्रॉब्लम है, तो देखते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू एक्स प्लस अब क्या दिया है टू वाई दिया है, राइट। अब यहां पर सब्जेक्ट में दिया है स्टूडेंट, सब्जेक्ट में देखो जब यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है या तो यहां पर मैक्सिमम है, तो सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल में होना चाहिए, राइट। इसलिए क्या कर दूंगा इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल माइनस क्या हो जाएगा फोर, ये इक्वेशन नंबर वन इसका स्टूडेंट। अभी देखो आप लोग यहां पर थ्री एक्स प्लस अब फोर वाई इक्वल टू फाइव है, तो ये जो होता है इसका जो रिट्रैक्शन होता है स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन देगा, एक तो हम लोग के पास यहां पर इक्वल है तो देगा ग्रेटर देन इक्वल या तो फिर लेस देन इक्वल, ये तो इसको मैं मिटा देता हूं, तो सीधा सीधा दो इक्वेशन बनाता हूं यहां पर स्टूडेंट, मुझे चाहिए लेस देन इक्वल, तो पहले मैं लेस देन में बनाता हूं, थ्री एक्स प्लस अब फोर वाई लेस देन इक्वल फाइव, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया टू हो गया। अब ग्रेटर देन में बनाऊंगा इसी इक्वेशन को स्टूडेंट, तो थ्री एक्स प्लस अब फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया फाइव, ये अब इसको स्टूडेंट मेरे को क्या करना है लेस देन बनाना है, ग्रेटर को लेस देन बनाना है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस फोर वाई और लेस देन इक्वल माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास फाइव, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया थ्री हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर दो स्टूडेंट, क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्सियन बाय द क्या हो जाएगा हम लोग के पास ड्यूल, ड्यूल में क्या कर देते हैं कन्वर्ट करते हैं, तो देखो स्टूडेंट जो बेस है वो कॉस्ट फंक्शन और जो कॉस्ट है वो किस क्या हो जाएगा बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग के पास मैक्सिमम है तो मिनिमम आएगा, मिनिमम जेड डी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस फोर डब्ल्यू वन, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट फोर डब्ल्यू वन प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये फाइव डब्ल्यू टू माइनस अब हो जाएगा फाइव डब्ल्यू थ्री, ये हो जाएगा, राइट। अब सब्जेक्ट कैसे बनेगी स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, तो इसको पकड़ो तो माइनस टू डब्ल्यू वन एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस थ्री डब्ल्यू टू एंड हो जाएगा हम लोग के पास ये वाला इक्वेशन आएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री डब्ल्यू टू, ये दो इक्वेशन दे रहा है, ये क्या कर रहा है ये वाला जो इक्वेशन है दो इक्वेशन दे रहा है, इसलिए मैं डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डैश एंड द क्या हो जाएगा डब्ल्यू माइनस थ्री है माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस थ्री डब्ल्यू टू डबल डैश, और यहां पर क्या मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल क्या लिखूंगा स्टूडेंट, यहां पर क्या है एक्स का कोफिशिएंट वन है, क्या है वन है। सेकंड में जाते हैं स्टूडेंट, इसको आगे बढ़ा करके भी लिख सकते हैं इसका नाम देने के लिए, तो देखो हम लोग क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं, इसके लिए जाते हैं स्टूडेंट, तो माइनस थ्री डब्ल्यू वन एंड क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस फोर डब्ल्यू टू डेस होगा एंड क्या हो जाता है ये आएगा स्टूडेंट माइनस फोर डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल, इसका कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट हम लोग का वाई का टू है, राइट। तो इस स्टेप से हो जाएगा हम लोग के पास ड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फाइव, राइट। अब स्टूडेंट इसको देखो यहां पर डब्ल्यू वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा बट यहां पर डब्ल्यू टू के ऊपर रिट्रैक्शन हम लोग नहीं लगा सकते, राइट, डब्ल्यू टू के ऊपर रिट्रैक्शन नहीं लगा सकते, देन अब यहां पर क्या हो जाएगा देन इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन फोर को देखते हैं यहां पर स्टूडेंट, तो इक्वेशन फोर फ्रॉम से माइनस टू डब्ल्यू वन एंड देन इसमें से थ्री कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं थ्री, और इसमें से फाइव कॉमन निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं फाइव कॉमन निकाल करके भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं फाइव कॉमन निकाल करके। अब इसको यहां से चलते हैं तो ये माइनस डब्ल्यू वन माइनस क्या हो जाएगा माइनस टू डब्ल्यू वन
और प्लस हो जाएगा हम लोग के पास 3W2 days एंड देन हो जाता है -3W2 double days एंड देन हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल 1। इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, -2W1 प्लस आप यहां से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, W2 days माइनस आप W2 double days ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 होगा। इसको चाहे तो क्वेश्चन नंबर क्या दे सकते हैं हम लोग, 5 है तो 6 दे सकते हैं। सेम क्या कर देंगे स्टूडेंट, इक्वेशन किससे, 5 फ्रॉम से हम लोग देखते हैं। तो 5 फ्रॉम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -3W1 प्लस 4W2 days माइनस 4W2 double days और ग्रेटर देन इक्वल 2 दिया है। इसको हम सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, -3W1 और प्लस 4 कॉमन निकाल देंगे तो W2 days माइनस अब W2 double days ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 एंड 7 फ्रॉम, इक्वेशन 6 एंड 7 फ्रॉम से हम लोग को मिलेगा W1 ग्रेटर देन इक्वल 0, बट क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं लेट बट, या तो फिर सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं लेट, क्या लिखेंगे, W2 days माइनस अब W2 double days इक्वल टू क्या कर देते हैं हम लोग, W2 ले लेते हैं, राइट। अब देखो स्टूडेंट, अब यहां से मैं W2 days इक्वल टू 1 लेता हूं और W2 double days इक्वल टू मैं 2 लेता हूं, तब क्या बनेगा, देन तब की स्थिति में बनेगा स्टूडेंट 1 - 2 इक्वल टू W2, तो यहां से क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू W2, यह हो गया। सेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से मैं ले लेता हूं W2 days इक्वल टू 2 एंड द W2 double days इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं, देन तब के स्थिति में स्टूडेंट क्या बन जाएगा हम लोग के पास, ये 2 - 1 इक्वल टू W2, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा W2। स्टूडेंट W2, नाउ W2 का वैल्यू जो होता है वो क्या आएगा, देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर W2 ऑफ द वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्या क्या मिल रहा है, W2 इक्वल टू -1 एंड द +1, तो -1 और +1 है तो इसके बीच में क्या रिट्रैक्शन लगा सकते हैं, नहीं, तो W2 इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट। क्या हो जाएगा, नाउ W2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, ड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, इजी, राइट स्टूडेंट। थैंक्स फॉर